सम्मेलन पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के 1000 क्वेश्चनों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम आप लोगों के लिए पार्ट 13 लेके आए हैं। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे तो अभी प्लेलिस्ट में जाके उन पार्ट्स को भी देखिए, क्योंकि उनमें जो क्वेश्चंस कराए गए हैं वो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको उन क्वेश्चनों में से देखने को एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ अभी प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देखिए, और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप इसको जितना शेयर करोगे ये उतना ही आपके मित्रों के लिए बेनिफिट होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 13 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो लगभग एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है स्थित है। श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना स्थित है वो कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा फतेहपुर सीकर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? तो झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मेहरानगढ़ में स्थित है। ये कहाँ है? जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभथाना किसका अन्य नाम था? तो कुंभथाना किसका अन्य नाम था? आंसर हो जाएगा सिवाना दुर्ग। जो सिवाना दुर्ग है उसका दूसरा नाम क्या था? कुंभथाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर के तारागढ़ का निर्माण कौन सी सती में हुआ? तो अजमेर के तारागढ़ का निर्माण कौन सी सती में हुआ? आंसर हो जाएगा सातवीं सती के अंदर हुआ। नेक्स्ट है, उषा मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? तो उषा मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? आंसर हो जाएगा बयाना का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? तो झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? आंसर हो जाएगा पृथ्वी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा धानवन दुर्ग। ओके, नेक्स्ट है, नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? तो नागौर दुर्ग का निर्माणकर्ता कौन है? आंसर हो जाएगा मुहम्मद बहलीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर जैमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है? तो वीर जैमल व पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जूनागढ़ दुर्ग। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा दुर्ग किस श्रेणी में आते हैं? तो कोटा का जो दुर्ग है वो किस श्रेणी के अंदर आता है? आंसर हो जाएगा जल दुर्ग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबाद दुर्ग कहाँ स्थित है? शाहबाद दुर्ग कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा भामती की पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलोणगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? किलोणगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाक्ष दुर्ग किस श्रेणी के दुर्गों का ही अन्य नाम है? तो बाक्ष दुर्ग किस श्रेणी के दुर्गों का अन्य नाम है? आंसर हो जाएगा वन दुर्ग। आप इससे वह से वह करके वन याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग को चिल्हे का टीला भी कहते हैं? तो चिल्हे का टीला किसको कहते हैं? जयगढ़ का दुर्ग। ठीक है, ये कहाँ है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? तो मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा ने करवाया। नेक्स्ट है, साहित्यकार दयालदास शिंडायच ने राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी है? तो किससे मानी है? ब्राह्मण वंश के बल्लभ राव से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के कवि सूर्यवल मिश्रण कछवाओं की उत्पत्ति मानी है? तो कहाँ से मानी है? कुर्म नामक रघुवंशी शासक के वंशज से सूर्यवल मिश्रण की कछवाओं की उत्पत्ति मानी है। ओके, और ये कहाँ के थे? बूंदी के। नेक्स्ट है, कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? तो कन्नौज में प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? आंसर हो जाएगा नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? तो किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? आंसर हो जाएगा नागभट्ट द्वितीय। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई, किसकी उपाधि प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा अभिनव भारताचार्य। किसको प्राप्त हुई थी? महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के समकालीन मुफर शाह द्वितीय कहाँ के शासक थे? जो मुफर शाह थे वो महाराणा सांगा के समकालीन थे, वो कहाँ के शासक थे? आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, सन 1509 से 1528 के काल में मेवाड़ चित्तौड़गढ़ पर किसका शासन था? किसका शासन था? आंसर हो जाएगा महाराणा संग्राम सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलीचा गांव के पास किसकी छत्री है? तो किसकी छत्री? आंसर हो जाएगा चेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा के राज्यारोहण के समय मालवा का शासक कौन था? जो महाराणा सांगा का जब राज्यारोहण किया गया था उस समय मालवे के शासक कौन था? आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन। ओके,
नेक्स्ट है रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था, तो रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था, आंसर हो जाएगा देपाक। ओके नेक्स्ट है बनवीर से बचाकर उदेव सिंह को कहाँ रखा गया था, तो कहाँ रखा गया था कुंभल नेर में। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, तो कुंभलगढ़ के दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, आंसर हो जाएगा मंडन। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से सहायता मांगी थी, तो किसने, रानी करमवती ने मांगी थी। ओके नेक्स्ट है राणा कुंभा किस भगवान के परम भक्त थे, तो किसके भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त थे। नेक्स्ट है मेवाड़ के किस महाराणा ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसने करी, महाराणा भीम सिंह ने करी थी 1818 ईस्वी के अंदर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा को। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम स्थायी जीवन कहाँ व्यतीत किया, तो कहाँ व्यतीत किया, आंसर हो जाएगा चावंड में। नेक्स्ट है बीकानेर के किस शासक ने महाराजा की उपाधि धारण की थी, तो बीकानेर के ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने पहले महाराजा की उपाधि धारण की थी, आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। ओके नेक्स्ट है अकबर ने अपने 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा, किसको सौंपा, बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंपा। ओके ये भी इम्पोर्टेंट है कि नागौर यात्रा अकबर के द्वारा कब निकाली गई थी, 1570 ईस्वी में। नेक्स्ट है मुख्य राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का शासन मुख्यतः किस अवधि में रहा, किस अवधि में रहा, 8वीं से 10वीं सदी के अंदर मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का शासन रहा। नेक्स्ट है राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया, तो राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाया, 1459 के अंदर बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राठौड़ वंश के राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ, तो राठौड़ वंश के जो राव मालदेव थे उनका राज्याभिषेक कहाँ संपन्न हुआ, आंसर हो जाएगा सोजत, और ये कहाँ स्थित है, पाली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट जहांगीर ने दल थम्बन की उपाधि किस राठौड़ शासक को प्रदान की, जो सम्राट जहांगीर थे उन्होंने दल थम्बन की उपाधि किस राठौड़ शासक को प्रदान की थी, आंसर हो जाएगा राव गज सिंह। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है सर टॉमस रो भारत किस वर्ष आए, तो सर टॉमस रो भारत किस वर्ष आए, आंसर हो जाएगा 1615 ईस्वी के अंदर सर टॉमस रो थे वो भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राठौड़ शासक ने जोधपुर राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था, ऐसे कौन से राठौड़ शासक थे जिन्होंने जोधपुर के राज्य की सीमाओं का सर्वाधिक विस्तार किया था, आंसर हो जाएगा राव मालदेव। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे, तो जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे, आंसर हो जाएगा पुंडरीक रत्नाकर। नेक्स्ट है जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह के अल्प वयस्क आयु में बैठने वाले शासक कौन थे, तो आंसर हो जाएगा राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज किसके पुत्र थे, जो पीतल के नाम से प्रसिद्ध जो पृथ्वीराज थे वो किसके पुत्र थे, तो आंसर हो जाएगा राव कल्याणमल के पुत्र थे। और पृथ्वीराज किसके नाम से प्रसिद्ध थे, आंसर हो जाएगा पीतल। नेक्स्ट है अकबर के साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक योगदान करने वाला राजपूत शासक कौन था, तो कौन सा, राजा मानसिंह प्रथम। ओके नेक्स्ट है जहांगीर ने बूंदी के किस शासक को सर बुलंदराय की उपाधि दी थी, तो बूंदी के ऐसे कौन से शासक थे जिसको जहांगीर ने सर बुलंदराय की उपाधि दी थी, आंसर हो जाएगा राव रतन हाड़ा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ हुआ, तो जो मराठा थे उन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ से किया था, तो आंसर हो जाएगा बूंदी राज्य से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की राजधानी क्या थी, तो पृथ्वीराज तृतीय के समय चंदेलों की जो राजधानी थी वो क्या थी, महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है, जो कोटा रियासत का वीर दुर्गादास राठौड़ किसे कहा जाता है, आंसर हो जाएगा झाला जालिम सिंह को कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है तराइन के युद्धों का विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तराइन के जो युद्ध थे उनका विस्तृत विवरण किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, तो पृथ्वीराज राशो, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज राशो ग्रंथ के अंदर किस विषय के ऊपर वो ग्रंथ बनाया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा तराइन के युद्धों को लेकर पृथ्वीराज राशो में
विवरण किया गया है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।